कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआ करती होंगे अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों दुख तकलीफों को खत्म कर दे, अल्लाह पाक आपके तमाम से गिरा गिरा गुनाहों को माफ कर दे। आज जो मैं आपके साथ वजीफा लेकर आई हूँ बहुत ही नायाब और बहुत ही बुलंद बाला और बहुत ही आला वजीफा है। ये वजीफे का तरीका जो पहले मेरा वजीफा था उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है या चाहत है तो जो सामने वाला है जो तालिब है उसको तो चाहत है लेकिन मतलूब जो है उसको नहीं चाहता या नहीं उसके इज्जत करता और ना ही उससे प्यार करता है। तो ये जो है खासकर खवातीन के लिए होता है। अगर शोहर का मसला हो तो वो खवातीन करे, अगर शोहर अगर बीवी का मसला हो तो फिर वो शोहर करे। तो इनके लिए भी बहुत जायज ये जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ इलम बहुत ही नायाब है। तो इसका तरीका पता क्या है, आपने क्या करना है कि आपने या तो अगर आप फैमिली में हो यानी कि घर में हो और उस घर में वो चीज पहुंचा सकते हो या मीठा कोई पहुंचा सकते हो तो फिर आपने मिठाई के ऊपर या किसी मीठी चीज के ऊपर दम करके तो ये उसको खिलानी है। तो इंशाल्लाह उसके अंदर मोहब्बत की जो बुलंदी है वो बावकार हो जाएगी और नंबर दो उसके अंदर एक ऐसी आग सी लग जाएगी जब तक वो आपसे मिलेगा नहीं, जब तक आपके पास नहीं आएगा उसको सुकून नहीं आएगा। ये बहुत नया वजीफा है, यह आप लाजमन कीजिएगा। नंबर दो इसका एक और तरीका है कि आपने ये जो आयत मुबारक स्क्रीन पर चल रही है सूरह यूसुफ की है, 29 और 30 आयतें हैं ये, ठीक है। 29 और 30 के दरमियान की आयत सूरह यूसुफ की नायाब आयतें हैं, ठीक है। तो ये आप लाजमन कीजिएगा यूसुफ से लेके यूसुफ आरिजू यहां से लेके सलाल इन मुबीन तक आप पढ़ेंगे, ठीक है। और ये स्क्रीन से आप उतार लेंगे तो इंशाल्लाह इतना इतनी बेचैनी हो जाएगी उसको कि जब तक वो आपसे मिलेगा नहीं या जब तक वो आपसे मिलेगी नहीं उसको सुकून नहीं आएगा। नंबर दो, अगर आप इसी सूरत की आयत को कागज में लपेट कर अपने बाजू पे बांध लो, ठीक है, अपने बाजू पे पानी ना लगने दो, अपने बाजू पे बांध लो और खुशबू थोड़ी सी लगा लो तो आप यकीन करें जब तक मतलूब यानी कि तालब के पास ना पहुंच जाए, तलब करने वाले के पास ना पहुंच जाए तब तक उसको सुकून नहीं आएगा। दिन रात को उसको ऐसी बेचैनी लगेगी और उसी की याद सताएगी। ये बहुत नया वजीफा है, लाजमन कीजिएगा। इसी वजीफे के साथ इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला है जो आप लाइव नहीं शेयर कर सकते तो ई मेल पर आप बात कर सकते हैं, और अगर ई मेल पर भी बात नहीं कर सकते तो फिर कमेंट्स पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी जितनी भी मुश्किलें परेशानियां हैं जरूर हल की जाएंगी। इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मोहब्बत का नक्श दिया जाए यानी मोहब्बत का चाहत का नक्श दिया जाए जिससे बहुत जल्दी फर्क पड़ जाए और इंशाल्लाह 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। उसका इस्तेमाल, उसका तरीका इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश की जाती है अगर आप सिंसियर हैं और वो नक्श हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर जो है हमसे बात करें। उसका थोड़ा सा हदिया है वो पहले ही आपको बता दिया जा रहा है कि उसका हदिया आपको जरूर देना पड़ेगा वरना वो नक्श कभी काम नहीं करता, ठीक है। उसका जो मुकलीन का जाहिर आपको पता है अमलियात का लिया हुआ नक्श है और बहुत मुश्किल से हमें भी वो मिला था, तो काफ़ी पढ़ाइयों के बाद और मतलब के जैसे चिल्ला काटने के बाद वो नक्श तैयार किया गया था और वो बहुत जलाली नक्श है। तो इंशाल्लाह आपको वो दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उसका तरीका यही है कि आपको उसका हदिया अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, हदिया इतना ज़्यादा नहीं है, आप उसका हदिया जो है दे सकते हैं तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बहुत जो है ताकतवर नक्श है, उसका ख्याल रखिएगा और उसका गलत इस्तेमाल ना कीजिएगा तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप हमारा नंबर हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर कमेंट्स करें और वो लोग बस रब्ता करें नंबर के लिए जो सिंसियर हैं, वाकई ही अमलियात सीखना चाहते हैं या अपनी कोई मुश्किल हल करवाना चाहते हैं। हमारे चैनल पर बहुत से जो हमने वज़ाइफ आपको पेश किए हैं, अमलियात पेश की है, रूहानी इलाज की मुकम्मल सर्विस दी जा रही है। दुनिया भर के परेशान हाल लोग अपने मसले और परेशानियों के लिए, बेरोजगार जो लोग हैं और जिन्नात जादू के मामलात का हल करवाने के लिए इस सब जो सर्विस दी जा रही है उससे काफ़ी लोग जो हैं फैसियाब हो रहे हैं और पूरी कोशिश की है कि अपनी बहनों की मदद की जा सके, भाइयों की मदद की जा सके। और अगर हमें कोई नक्श वगैरह भी उनको सेंड करना पड़े हम वो भी उनको भेजेंगे बजरिया डाक के जरिए, या फिर कोई चीज़ भेजनी होगी वो भी इंशाल्लाह भेजेंगे ताकि उनकी परेशानी हल हो सके। किसी को जिन्नात जादू
या घर में कोई ऐसी मसला है या बंदिश है, रिश्तों में बंदिश है, काला जादू जैसे सफली जादू, जिन्नात, नजरे बद, और जैसे शादी के मसाइल होते हैं, पसंद की शादी के मसाइल होते हैं, तलाक का मसला होता है, कारोबार की बंदिश कर दी जाती है, कोई कारोबार कोई ठीक हो नहीं रहा था, वो अच्छा कारोबार भी खराब हो रहा होता है, तालीम का मसला होता है और बाहर मुल्क जाने का मसला होता है, रिश्ते की बंदिश, मोहब्बत वगैरह के जो होते हैं वो मैंने काफी अमल आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं जो शरीयत के लिहाज से हैं, और सास वगैरह का ये जो मसले होते हैं इनके लिए जो कुरान पाक जो है तालीम दी जाती है उसमें से आपको जो भी बेहतर होगा वो हम बताएंगे, और जैसे शोहर नाराज हो जाते हैं, लापरवाही करते हैं, इन तमाम मसलों के हल के लिए इंशाल्लाह आप हमसे रब्ता करें, हम आपको नंबर भी देंगे, लेकिन सिंसियर लोग जो हैं वाकई ही जो हमारी बात को समझते हैं वो लोग रब्ता करें। और एक बात, आप इनको जो नंबर दिया जाएगा वो मेरे उस्ताद, मेरे जो पीर हैं उनका नंबर है, मेरे चचा भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, उनका नंबर दिया जाएगा, भाई लोग जो हैं वो उनसे बात करें, और ख्वातीन जो हैं उनसे बात करके हम तक पहुंच सकती हैं, ठीक है, ख्वातीन हमसे बात कर सकती हैं या फिर वो जो है उनसे भी बात कर सकती हैं, उनको नंबर दिया जाएगा। नंबर दो, बात ये है कि अगर बहुत से लोगों की फरमाइश है, यहाँ तक कि हजार से ज्यादा लोग जो हैं हमसे कहते हैं कि प्राइज बॉम, वट्टा, लॉटरी, इन सब के बारे में जो है मैं और इस बारे में बात नहीं करना चाहती, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम इस तरह की है तो वो उनसे बात कर सकते हैं, तो इनशाला जितनी भी हो सके आपकी मदद की जाएगी इस्लामी तरीकों के हिसाब से। इजाजत दें, मेरी अगर बात समझ आती है तो कमेंट्स बॉक्स में सिर्फ वो लोग रब्ता करें जो सिंसियर हैं, वाकई ही अमल करना चाहते हैं और अमलियात में आना चाहते हैं, बेफजूल लोग जो है रब्ता ना करें, टाइम वेस्ट मदरसों वालों का टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से चैनल बनाया गया है, तो आपकी मेहरबानी है इसको जो है इसका गलत तरीका इस्तेमाल ना करें, सिंसियर लोग बस रब्ता करें। और दो या तीन मैसेज में अपना तमाम मसला बयान करें, ज्यादा मैसेज ना करें, नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद।